कायद्याच्या बोर्डचा समपत्र हटायलाच पाहिजे, बिल्डरवर कठोर कारवाई व्हायलाच पाहिजे। मुंबई के मलाड़पुर खांडवाला लेन पर वर्मावाड़ी में यह देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बरसों पुराना कार्यालय है, लेकिन यहां पर पुनर्विकास का कार्य करने आए बिल्डर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को बिना शिफ्टिंग दिए ही चारों तरफ से पत्रा लगाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी परेशान हैं। अब उन्हें आंदोलन के सिवा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा आरोप उत्तर मुंबई राकपा की जिला कार्याध्यक्ष फहमिदा हसन खान ने लगाया है। इस संबंध में राकपा नेता श्रीकांत मिश्रा एवं अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का 22 साल से ये कार्यालय है, उसके पहले कांग्रेस आई का 92 से ये कार्यालय था। जब राम पंडागले जी राष्ट्रवादी में आए, राष्ट्रवादी बनी, तो 99 से ये कब्जा राष्ट्रवादी के पास में है। और आज जब बिल्डर आया तो बिल्डर को हमने इतना ही बोला कि ये जो हमारा पक्ष का बोर्ड है वो बोर्ड ढकना नहीं चाहिए। तो उसने जब भी वार्ड ऑफिसर आया, जब भी सब हाँ हाँ बोला, वो वार्ड ऑफिसर जाने के बाद में इससे सारे पत्रे भी लगा दिया। हमारी मांग इतनी है कि पक्ष कार्यालय जो है उसके बोर्ड का पत्रा हटाना है। और आज हमने FIR की, क्योंकि जो यहाँ संभालते थे सत्यवान सोनावणे जी, वो 99 से राष्ट्रवादी का यहाँ ये संभाल रहे ऑफिस, उसके बाद में उनके ऊपर बाउंसर्स बुला के 70 से 80 महिला बाउंसर्स बुला के, जो के वीडियो में भी दिख रहा है कि 5-6 बाउंसर उनको धक्का मार के निकाल रहे हैं। आज कोई एक आदमी अगर जाता है और बोलता है कि हमारे ऊपर एक औरत अगर आदमी के खिलाफ एलिगेशन करती है कि इसने मुझे टच किया है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हो, तो एक आदमी के ऊपर 5-5 महिला बाउंसर्स हाथ लगा के धक्का मार के उसको निकालती है। वही FIR हमने किए, लेकिन बिल्डर को 27 दिन हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, आप NCP के कार्यालय है, NCP महाराष्ट्र राज्य सरकार में सत्ते में है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे जो वरिष्ठ है वो सब संवाद यात्रा दौरे और दौरे पे हैं, हमने ऊपर भी लेटर दिया है, तो अभी सब आएंगे तो वापस से हमको जब मुलाकात के लिए बुलाएंगे, जब भी बैठ के हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। मैम, सवाल उठ रहा है, आपके पास गृह मंत्रालय है, आपके पास निर्माण विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम पब्लिक कैसे न्याय की उम्मीद करे सरकार में? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस दिन बिल्डर डेमोनेशन करने आया था उस दिन जितेंद्र आवाड़ जी ने ही वार्ड ऑफिसर को बोल के वार्ड ऑफिसर को इधर भेजा था, और उसी के चलते जो वार्ड ऑफिसर आए थे, जब भी बिल्डर ने सारा एग्री किया, लेकिन उसके बाद में तीसरे दिन उसने पत्रा लगा दिया। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि हमको न्याय नहीं मिला है, हमको न्याय मिला है, लेकिन अब सब नेता लोग जो है वो दौरे पे और संवाद उसमें, तो हम लोग की मीटिंग नहीं हो पा रही। आज पुलिस स्टेशन में है, आज हम लोगों ने राष्ट्रवादी वालों ने जो यहाँ पे धरना मोर्चा लिया, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए लिया, और राष्ट्रवादी पार्टी के अस्मिता का सवाल था, राष्ट्रवादी पार्टी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, राष्ट्रवादी पार्टी का आज यहाँ पे 96 से ये ऑफिस है, और राष्ट्रवादी का जो बदनामी हो रहा है, हम रूलिंग पार्टी के होते हुए भी हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपना आंदोलन जनतांत्रिक ढंग से कर रहे हैं। उसके बाद अभी जब पुलिस ने बुलाया है, बिल्डर की दादागिरी है, पूरी जनता जानती है कि बिल्डर जो होता है वो बड़े बड़े नेताओं को खरीद लेता है, पुलिस को खरीद लेता है, उसके इसलिए पुलिस ने हम लोगों को बुलाया। हम लोगों को जब बुलाया तो वहाँ पे जाने के बाद पुलिस ऑफिसर ने हमको, मिस्टर चौहान ने, जो यहाँ पे एक्टिंग PI है, एक्टिंग PI सीनियर साहब छुट्टी पे है, एक्टिंग PI चौहान साहब ने हमको ये आश्वासन दिया कि आप लोग हमको एक लेटर दे दीजिए अपने पार्टी का, जो हमारी पार्टी के बोर्ड पे उन्होंने वो लगाया है, पत्रा लगाया है, वो बोर्ड हमारा पहले राष्ट्रवादी का बोर्ड है, उसको खाली किया जाएगा, और जो भी होगा कानूनी और जनतांत्रिक ढंग से वो ऑफिस हमारा, हमको बिल्डर से हम लेकर के ही रहेंगे, हमारा वो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए हमें चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। आज जो हमको PI साहब ने कहा है, उस PI साहब के आदेश को या उनकी बातों को मान देते हुए हम लोग
कुछ दिन इंतजार करेंगे, दो दिन चार दिन छः दिन जब तक बोर्ड नहीं, बोर्ड का हट नहीं जाता है यहाँ से, नहीं तो उसके बाद ये तो अभी झांकी है, ये तो अभी झांकी है, आगे की लड़ाई बाकी है। और वो लड़ाई जो वो होगा बहुत तीव्र होगा। हम तो बार बार कहते हैं कि अब याचना नहीं संघर्ष होगा, अब हम संघर्ष करेंगे और हमारी पार्टी का जो भी है वो हम लेकर के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।